गोपालगंज प्रखंड ग्राम पंचायत राज कोनवा के नवनिर्वाचित मुखिया बिंदा देवी ने कहा कि जनता ने उन्हें मुखिया बनाया है, इसके लिए वह जनता का आभार व्यक्त करती हैं। इसी क्रम में मुखिया प्रतिनिधि अमित कुमार बीपू ने कहा, इस बार विकास की गंगा तेजी से बहेगी तथा जनता से किया गया हर एक वादा पूरा किया जाएगा। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि अमित कुमार बीपू ने कहा कि सरकार की जो भी योजना ग्राम पंचायत के लिए बनाई जाएगी उसको 100% धरातल पर लाने का प्रयास किया जाएगा। वही नवनिर्वाचित मुखिया प्रतिनिधि अमित कुमार बीपू ने कहा कि हम लोग सेवक बनने का काम करेंगे और पुनः वह अपनी ग्राम पंचायत राज कोनवा की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। टीवन इंडिया न्यूज के लिए आज गोपालगंज प्रखंड के कोनवा पंचायत में उपस्थित है और आज इस पंचायत को काफी दिनों बाद एक नया सरकार मिल चुका है जो प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। और बहुत मेहनत किया था और नवयुवकों पे आज पंचायत के लोगों ने बताया है। आइए इनसे पर्चे लेते हैं। टीवी ने पहले सर्वे करके बता दिया था, जब हम आए थे तो एक्चुअली इनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन हमने सर्वे करके बता दिया था। पहले पर्चे लेते हैं और जानते हैं नवयुवक है तो क्या सोच रखे हैं। निश्चित तौर पे यहाँ की जनता ने जो हमको मैंडेट देने का काम किया, हम यहाँ के लोगों की जिंदगी भर आजीवन इसके आभारी रहेंगे। अपने तरफ से जो कुछ भी संभव होगा सबों को साथ लेके हम चलने का प्रयास करेंगे और यहाँ विकास ही एकमात्र मेरा मुद्दा होगा। सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ी है कि हमारे यहाँ रोड की बहुत बड़ी समस्या है। मेरा सबसे बड़ा प्रयास होगा कि पंचायत का हर एक गली और नली इसको हम पक्कीकरण कर दें, उसके बाद हम दूसरा कोई आगे विकास का काम करें। जो भी बिहार सरकार की योजनाएं हो या केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होंगी उसको हम धरातल पर लाने का भरसक अपनी पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे। जनता ने आपको बहुत मैंडेट दिया। निश्चित तौर पर यह मतलब आप सबों की जीत है, यह आप सबों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। और मैं एक 29 साल का नौजवान जिसको भेजने के लिए तमाम तरह की अड़चने पैदा की गई, लेकिन जो आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग हमको मिला है आजीवन हम आपका आभारी रहेंगे। चले गोपालगंज से कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ विकास तिवारी की रिपोर्ट।